तो मिल्कीपुर में उपचुनाव टलने पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान, उपचुनाव में बीजेपी को सभी सीटों पर हराऊंगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर उपचुनाव कराने का फैसला किया। उपचुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्शन पिटीशन की वजह से मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल उपचुनाव नहीं कराया जा रहा है। चुनाव आयोग के फैसले पर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। तो आपको बता दें, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं कराने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। तो अखिलेश यादव के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि मिल्कीपुर वह सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद सिंह विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से जीत हासिल करने के बाद उन्होंने ये सीट खाली कर दी। समाजवादी पार्टी ने यहां से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतार दिया था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने सीट इलेक्शन पिटीशन का हवाला देते हुए सीट पर उपचुनाव को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है। तो लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की सीट जीतने पर अवधेश प्रसाद ने जमकर वाहवाही लूटी थी। अवधेश प्रसाद की जीत बीजेपी के लिए इसलिए बड़ा झटका माना गया था क्योंकि अयोध्या इसी सीट के अंतर्गत आती है। लोकसभा चुनाव से पहले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ था। मंदिर का निर्माण अभी भी किया जा रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद माना जा रहा था कि बीजेपी फैजाबाद की सीट निसंकोच जीत जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन अब अखिलेश यादव ने उसी जीत को लेकर इशारों में तंज कस दिया और उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उपचुनाव में बीजेपी को हराने का काम करेगी।